तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा है। बीजेपी आलाकमान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। निकाय चुनाव के टिकट को लेकर ये मंथन हो रहा है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी चयन के लिए मंथन हो रहा है। शनिवार को नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में सभासद और अध्यक्ष, नगर निगम में पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। कुछ सीटों पर मौजूदा पालिका अध्यक्ष और महापौर को फिर से मौका दिया जा सकता है। वहीं अधिकांश जगहों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा है, जहां पर वो दावेदारी पर मंथन भी जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा, निकाय चुनाव के टिकट को लेकर ये मंथन हो रहा है। और कल भाजपा की पहली सूची आएगी और बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बना ली है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तो पूरी नजर आ रही है और कल बीजेपी अपनी पहली सूची भी जारी करने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें फिर से मौका दिया जा रहा है, तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए, आप रूपा बताना चाहेंगे, शायद एक घंटे या दो घंटे के अंतराल में भाजपा का जो मंथन है वो जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आने वाली है। चूंकि लगभग 10 मेयर कैंडिडेटों की जो सूची फाइनल स्टेज पे है केंद्रीय नेतृत्व के, उसकी आज फाइनल होने वाला है और जल्दी ये बड़ी खबर यहाँ पे बीजेपी द्वारा दी जाएगी। चूंकि जो मंथन है वो कल भी उत्तर प्रदेश में रहा और आज भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए हुए, संगठन मंत्री भी उनके साथ हैं और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है और वो टिकट फाइनल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो उनकी टीम है, जो मेयर कैंडिडेट है, वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हालांकि यहाँ से भी तीन नाम दिए गए थे, चूंकि हर जिले से तीन तीन नाम मेयर पद के लिए मांगे गए थे। लखनऊ में जो उम्मीद जताई जा रही, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये है कि जो अलका दास हैं उनका भी नाम यहाँ से आ सकता है, ब्रजेश पाठक की पत्नी है उनका भी नाम गया है। तो कई नाम ऐसे हैं जिनको उम्मीदें हैं कि इस बार भाजपा उनको कर्मठ और जुझारू जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान पे उतारेगी, तभी जो उनका टारगेट है यानी लक्ष्य मिशन 700 का है वो पूरा हो पाएगा। चूंकि मेयर की जो कैंडिडेट होंगे उनमें दारोमदार पूरे पूरे जिले का भी होगा, यानी जो पार्षदी कैंडिडेट होंगे उन पे भी जिम्मेदारी होगी और पूरा जो रणनीति होगी वो जाति समीकरण हो या अन्य तैयारियां हो, वो ये सब साफ बताती हैं कि भाजपा की जो निकाय चुनाव की तैयारी है वो अलग है। और यही कारण है कि एक लंबा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इनके जो कैंडिडेट आएंगे बहुत चुनिंदा कैंडिडेट होंगे जो कि समाज में एक उनका स्तर होगा, और वही कारण है कि इन टिकटों के फाइनलों में इतना मंथन चला, काफी लंबा समय लग गया। लेकिन आज ये पूरी सूत्र बताते हैं कि आज शाम तक भाजपा उत्तर प्रदेश में मेयर कैंडिडेटों के नाम की घोषणा कर देगी। अभिषेक, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि कुछ पुराने प्रत्याशी हैं जिनका पत्ता इस बार कटने वाला है। देखिए पूर्वा, भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया था कि लगभग जो नगर निकाय की 17 सीटें हैं, हालांकि पिछली बार कम थी, उनमें 11 जो सिटिंग मेयर हैं उनके टिकट कटेंगे। कुछ तो इसलिए कट जाएंगे चूंकि जो आरक्षण आया उसके तहत, और कुछ जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, यानी कि भाजपा की जो निगरानी रही, समिति रही, या भाजपा की जो उम्मीदें रही उनमें खरा नहीं उतर पाए, उसके चलते कट जाएगा। तो ये साफ है कि बदलाव जरूरी है और भाजपा बदलाव लगातार करती भी है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई बार ऐसा भी रहा कि सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया और लगातार कई वर्षों तक वो मेयर रहे, लेकिन इस बार की उम्मीद ये जताती है कि भाजपा इस बार लखनऊ से भी टिकट काट सकती है सिटिंग मेयर का, और अब कोई दूसरा चेहरा यहाँ पे आ सकता है। तो वही तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश, यानी 17 नगर निकाय के चुनाव जहाँ पे मेयर के टिकट फाइनल होने हैं, वहाँ पे पूरी रणनीति के तहत भाजपा पूरी अपनी तैयारी के साथ इन लोगों को चेहरे इनके चेहरे सामने लाएगी। चूंकि
बड़ी चुनौती इस बात की भी है, चूंकि लोग जो है वो अपने लोग नाराज भी ना हो, चूंकि जहां से भी टिकट के नाम आए हैं जिन लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं, कहीं में कहीं किसी की पत्नी है, तो कहीं की विधायक का कोई रिश्तेदार है, कहीं सांसद ने अपने भाई का प्रस्ताव भेजा है, तो तमाम वो लोग हैं जो कि मंत्रियों से मिलके, संगठन से मिलके अपने अपने लोगों का नाम भेजा है। अब उनमें एक नाम फाइनल करना है तीन में से, तो ये चुनौती बड़ी होती है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के पास जिम्मेदारी है, संगठन मंत्री है, उन्होंने कल मुख्यमंत्री को भी पूरा ये ब्रीफ किया कि ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, ये नाम आए हैं, अब इनमें कैसे क्या करना है, उस रूपरेखा के साथ अंतिम दौर पे यानी अंतिम निर्णय को लेने के लिए वो केंद्रीय नेतृत्व के पास बैठे हुए हैं, वहां भी मंथन जारी है। अब मंथन कुछ ही देर में अब ये दिशा दे देगा, निर्देश दे देगा कि अब किनको चुनाव में उतरना है और भाजपा को किस रणनीति से उतरना है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी अपनी तैयारी बता रखी है, पूरा लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि आपको जिस जिले में जैसी जरूरत हो, रैली की हो, जिस नेता की, जिस मंत्री की, हम वहां भेजेंगे, लेकिन निकाय चुनाव में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, निकाय चुनाव हम बड़े हौसले के साथ जीते। इसको लेके योगी आदित्यनाथ ने अपने नेताओं को एक जोश बढ़ा दिया है और वही कारण है कि बस टिकट के नाम के ऐलान होगा, उसके बाद भाजपा अपनी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन निकाय चुनाव में जुट जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन देखा जाए तो नए प्रत्याशी को मैदान में उतारना और उन प्रत्याशियों को जनता द्वारा एक्सेप्ट करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। देखिए अपूर्वा, ये भाजपा की रणनीति पहले से भी रही है, उन्होंने जो उनके बूथ स्तर की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही वो लोग काम करते हैं, संगठन की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें खरा उतरने के लिए एक अलग प्रकार से वो लोग रणनीति अपनाते हैं। और इस बार जो इनके समीकरण देखे जा रहे हैं, जाति समीकरण को देखते हुए जरूर जा रहे हैं, चूंकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी गई, अखिलेश यादव ने खुद बयान दे दिया कि आप सपा को देख के भाजपा भी जाति समीकरण का रुख अपना सकती है, हालांकि टिकट उनके अभी फाइनल नहीं हुए, नाम सामने नहीं आए, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव की जो रणनीति होती है वो कठिन जरूर होती है, लेकिन जो इनके जिले के प्रभारी लोग होते हैं वो पूरे जिम्मेदारी के साथ नाम भेजते हैं कि हाँ हमें इन पे भरोसा है, ये कैंडिडेट हमारी सीट निकालेंगे, स्थानीय नागरिकों में इनकी छवि अच्छी है, तमाम प्रकार के फीडबैक लिए जाते हैं, तभी कहीं ना कहीं अंतिम रूप उन टिकटों में दिया जाता है। और वही कारण है कि पूरे भरोसे के साथ यदि वो बीजेपी भरोसा जताती है कैंडिडेटों पे, तो कैंडिडेट भी पूरे विश्वास के साथ भाजपा को विजय दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। नजरें बनाए रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।